हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिप्टन ट्यूटोरियल। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्रीवियस 30 इयर्स एमटीजी बुक क्वेश्चंस, तो वो चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है आपको पता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपनी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, चले जाते हैं उस क्रिस्टल में से। तो अगर कोई चला गया किसी क्रिस्टल में से, इसका मतलब ये है कि उसका मास कम हो गया। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है NaCl सॉलिड इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और बिल्कुल सही है ये जो भी लिखा गया है इसके अंदर। NaCl सॉलिड की फॉर्म में इंसुलेटर ही होता है, अदरवाइज आपका कंडक्टर के जैसा बिहेव करता अगर लिक्विड फॉर्म में होता तो। नेक्स्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल। नहीं, फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं होता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, जो क्या करता है जब साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑलमोस्ट इक्वल होती है तब वो पिक्चर के अंदर आता है। फिर FeO 0.98 हैज नॉन स्टोइकोमेट्रिक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ गलत कर दिया गया है। यहाँ पर केवल FeO होना चाहिए था, क्योंकि अगर FeO 0.98 ऐसा कुछ आ गया है इसका मतलब ये है कि वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक ही है। स्टोइकोमेट्रिक मतलब क्या होता है, FeO टाइप। ठीक है, FeO हुआ, ZN हुआ, तो ये क्या होते हैं आपके स्टोइकोमेट्रिक मेटल्स होते हैं। अदरवाइज जैसे Fe.93O हो गया या 0.98O हो गया या कहीं और 0.98 जैसा कुछ लिख गया, यानी कि डेसिमल के अंदर कोई एटम है तो वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक के अंदर आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका सी आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन। तो कैल्शियम फ्लोराइड क्या किसे बोलते हैं, CF2। CF2 आप अगर कैल्शियम फ्लोराइड है इसके मतलब ये किस रेशो के अंदर है, 1:2 के अंदर है। तो 1:2 का मतलब होता है कि फ्लोराइड क्या है, डबल है कैल्शियम के एटम्स का। तो कब हो सकता है, जब आपका फ्लोराइड आयन कहाँ पर हो, टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर। और Ca+2 आपका कहाँ पर है, वो है आपका FCC के अंदर। FCC मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो जब भी ऐसा होता है कि कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर कोई एटम होता है और बाकी जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं वो घेर लिए गए हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि बाकी है उसके अंदर, तब तो जो कॉर्नर पर होते हैं फेस सेंटर पर होते हैं वो रखते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और जो फ्लोराइड आयन्स है वो टेट्राहेड्रल वर्ड में तो वो कितना रखेंगे, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट है लिथियम हैज BCC स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 530 kg/m³ एंड इट्स एटॉमिक मास इज 6.94 g/mol। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ लिथियम मेटल। तो देखिए BCC स्ट्रक्चर है, तो BCC स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जेड कितना होता है आपका, 2, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, बॉडी सेंटर पर, कॉर्नर पर। फिर उसके बाद आप बात करते हैं डेंसिटी निकालने के लिए, तो डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, D=ZM/A³NA। डी कितना दिया गया है आपको, डेंसिटी दिया गया आपको 530 kg/m³। तो आपको इसको किस में चेंज करना होगा, इसको चेंज करना होगा आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि इन जनरल जो आपका फॉर्मूला है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यूज करते हैं हम डेंसिटी का। तो kg/m³, तो kg मतलब उसको ग्राम बनाएंगे तो कितना लिखेंगे, 10^3 g/m³। 1 मीटर में 100 cm होते हैं और 100 cm होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10^6। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू कितना होगा आपका, जेड वो है 2। मास कितना दिया गया है उसका, 6.94 दिया गया है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, ए क्यूब में आपसे ए ही पूछा गया है क्योंकि ए ही एज लेंथ है, और एन ए कितना होता है, 6 × 10^23। वैसे 6.02 बोला गया है, बट आप 6 × 10^23 भी लेंगे तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी आसान पड़ेगी। और जब आप इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालते हो तो आंसर आता है आपका अराउंड 352 pm. पिकोमीटर का मतलब होता है 10^12 m। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, द आयनिक रेडियस ऑफ A+ and B- आयन्स आर 0.98 × 10^-10 m एंड 1.8 × 10^-10 m द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन। तो ऐसे के अंदर हमें ये पहले पहचानना पड़ेगा कि ये किस, ये जो आपका आयन है A+ और B-, ये क्या वर्ड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें दिखा दे रहा है कि A+ कम है और B- ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, A+/B- करेंगे, क्योंकि रेडियस का जो रेशो है उसको हम 1 से ज्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.98 × 10^-10 / 1.8 × 10^-10, इससे कैंसिल।
और इससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि 98 और 180, अगर मैं इसको 0.9 और इसको 1.8 मानता हूँ तो 1/2 आएगा, यानी कि जो रेशो है वो अराउंड अराउंड 0.5 आ रहा है। तो अगर ये 0.5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0.414। और ये 0.414 कौन बनाता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाते हैं। और अगर उससे ज्यादा हो गया, यानी कि एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गया, तो एक्सपेंडेड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इसका मतलब आपकी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बनाना जरूरी है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाना जरूरी है। अदरवाइज जो आपके स्मॉल चार्जेस है, यानी लाइक क्या है आपका कैटायन, तो वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर जगह लेगा। तो ये जो आपकी शेप बनी है वो शेप कैसी बन गई है, शेप बन गई है आपकी NaCl के जैसे। आया समझ में, ये शेप कैसी है आपकी NaCl के स्ट्रक्चर जैसी। और NaCl के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 6:6। इसका मतलब इसका अंदर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़े, द वैकेंट स्पेस इन BCC यूनिट सेल। तो BCC के अंदर पता है कि जो इसका डेंसिटी हो, जो मतलब आप निकाल, तो पैकिंग फ्रैक्शन वो कितना आता है, 68% आता है। तो 68% अगर पैकिंग फ्रैक्शन है, जिसको आप पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हो, कितनी जगह घेर ली गई है, तो वैकेंट कितनी बची, 100 - 68, तो ये कितना हो जाएगा, 32%। तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नहीं, फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर हमें बताया कि कैटायन एनायन के अंदर जो कैटायन होता है वो जगह छोड़कर कहाँ जाता है, इंटरस्टीशियल साइड्स के अंदर आ जाता है। तो मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब जो डेंसिटी है वो अनअफेक्टेड रहती है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद जो फ्रेंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, जिसके बारे में हम बात करें, तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने अभी आपको बोला ना कि कैटायन का चला जाता है किसी इंटरस्टीशियल साइट के अंदर चला जाता है, तो डिसलोकेशन ही हुआ। उसने क्या कर दिया, अपनी लोकेशन छोड़कर किसी और में चला गया, तो वो क्या हो गया, डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो इसका आगे देखने की जरूरत है नहीं आपको, वैसे बता देता हूँ मैं। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल, नहीं, फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये गलत है। फिर शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी। अभी थोड़ी देर इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन एनायन जगह छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर जगह छोड़कर चले गए तो उसका मतलब क्या हो जाता है, आपकी डेंसिटी कम हो गई ना, क्योंकि मास कम हो गया। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब आंसर क्या है आपका, बी। नेक्स्ट है, अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेस आउट विद अ क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर। ओके, इफ देयर आर फोर मेटल एटम इन वन यूनिट सेल, विच व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन एटम। तो उसका ये कहना है कि फोर मेटल एटम है वन यूनिट सेल के अंदर, तो ये कब पॉसिबल होता है, जब जेड इक्वल टू क्या होता है, फोर। क्योंकि जेड इक्वल टू फोर मतलब क्या है, बी, ये FCC के अंदर कहाँ होता है, फेस। FCC के अंदर बॉडी जो आपके एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं और फेस के सेंटर पर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि इसके अंदर जो आपको एज लेंथ का फॉर्मूला निकालना है वो कौन सा लगाना है, √2 = 4। आपसे पूछा क्या गया है, रेडियस पूछी गई है, तो √2 / 4 = r आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाने का तरीका। तो रेडियस यहाँ से कैसे निकलेगी, √2। ए क्या है आपका, ए है यहाँ पर आपकी एज लेंथ, वो कितनी दी गई है, 361 अपॉन क्या है नीचे, 4। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, ये √2 × 361/4। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर निकल कर आता है 127 पिकोमीटर के आसपास। तो आंसर वुड बी योर 127 पिकोमीटर। नेक्स्ट है, इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम इन द क्यूब विल बी। तो आपको पता है कि जो एज लेंथ होती है, जब बॉडी सेंटर एटम के बारे में आप बात करते हैं, तो बॉडी सेंटर एटम में क्या होता है, एक बना के दिखाते हैं आपको कि बॉडी सेंटर के अंदर क्या है, एटम कहाँ पर है आपके, कॉर्नर पर और बॉडी के सेंटर पर। ठीक है, कॉर्नर प्लस बॉडी का सेंटर। तो जब हम कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम बॉडी डायगोनल कहते हैं, वो आता है आपका √3a। ठीक है, तो अगर वो √3a है, मतलब इसको इस 1 से लेकर 2 तक की जगह √3a है, तो 1 से लेकर 3, तो 3 सेंटर पर, तो वो कितना हो जाएगा, √3a/2। आया समझ में, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 8 का D, क्योंकि जो थर्ड वाला है वो कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पर, और 1 कहाँ पर है, कॉर्नर पर। तो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, अ मेटल हैज FCC लैटिस, द एज लेंथ आपको दी गई है उसकी, A = आपको 404 पिकोमीटर दिया गया है। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, डेंसिटी आपको दी गई है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर। द मोलर मास ऑफ द मेटल पूछा गया है, एम क्या है पता नहीं है, Na उसने कितना दिया है, 6.02 × 10²³।
और FCC लैटिस दिया गया है। FCC लैटिस मतलब जेड की वैल्यू कितनी है, 4। तो आपको क्या यूज करना है यहाँ, डी इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। डी की वैल्यू कितनी है आपकी, 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इसी में लिखी जाती है। जेड क्या है आपका, 4 हो जाएगा FCC की वजह से। मॉलिकुलर मास का आता पता नहीं है क्योंकि अभी पता लगाना है। 404 पिकोमीटर, यानी कि 404 × 10^-12 का क्यूब, और एन ए कितना है आपका, 6.02 × 10^-23। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, और जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ तकलीफ थी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड। एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो जेड एन एस के जैसे होती है। ठीक है, अब जेड एन एस में क्या होता है, जेड एन एस के अंदर जो एटम्स जमे होते हैं, जैसे जेड एन प्लस टू एस माइनस टू की मैं बात करूं, तो वो किस तरीके से जमे होते हैं कि जो जेड एन प्लस टू होता है उसकी साइज होती है छोटी, एस माइनस टू की साइज बड़ी होती है। तो ये एस माइनस टू तो एफ सी सी पे चला जाता है, यानी कि कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर, और जेड एन प्लस टू चला जाता है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर डायमंड में तो सब कार्बन कार्बन ही है, तो आपको क्या करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि जो भी जेड एन प्लस टू और एस माइनस टू है वो सब क्या है, कार्बन है। यानी कि कार्बन कहाँ पर कहाँ कहाँ पर है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर और टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर निकालेंगे तो जेड कितना आएगा मान लीजिए, तो कार्बन अगर कॉर्नर पर है यानी कि 8 × 1/8, फेस सेंटर पर है इसका मतलब कितने फेस है, 6 × 1/2, प्लस टेट्राहेड्रल वर्ड्स तो 1/2 × 8, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 1 8 × 1/8 कितना हो गया 1, 6 × 1/2 वो 3, और ये कितना है 4, यानी कि आंसर क्या हो गया 8। तो जो एटम पर यूनिट सेल आते हैं वो कितने आते हैं, 8 आते हैं, तो चैन का आंसर क्या हो गया आपका, डी। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं, काफी ज्यादा लिख दिया यहाँ पर हमने। फिर हम 11th क्वेश्चन की बात करें, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस विद अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 408 पिकोमीटर, द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम इज। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो हमें पता है √2 = 4R आता है, ए जहाँ पर एज लेंथ है और आर क्या है, रेडियस है। अगर हमसे पूछा गया है क्या डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो हम इसको 2 × 2R लिख सकते हैं, यानी कि √2a/2 = 2R, दैट इज योर डैश क्या होगा डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू कितना हो गया, a/√2, और a कितना दिया हुआ है हमें, 408 अपॉन 1.414। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा इसका, वो आंसर निकल कर आएगा आपका अराउंड अराउंड 288 पिकोमीटर। ठीक है, ए वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, चलो रब कर लूँ पहले तो मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑक्टेडल वर्ड्स पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर इज। क्यूबिक क्लोज यानी कि सीसीपी। ठीक है, सीसीपी और एफसीसी क्योंकि हम दोनों एक ही मानकर चलते हैं, तो आपसे ये पूछा गया है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, तो हमें पता है सीसीपी और एफसीसी के अंदर जेड इक्वल टू 4 होता है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड उतने ही होते हैं जितने कि आपका जेड, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्सड ऑक्साइड इज अ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ओके, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्सड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस। यानी कि जो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग यानी कि सीसीपी है, उसमें आपका जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो आपका ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, तो अगर वो ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है इसका मतलब O-2 आयंस आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर का मतलब क्या हो गया आपका, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर का मतलब हो गया 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 यानी कि 4, ऑक्सीजन हो गया आपके 4। उसके बाद बोल रहा है 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल ए। डायवेलेंट मेटल यानी कि A+2। टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं जेड, ये जो निकल कर आया है 4 उसका डबल, तो 1/2 × आपका कितना हो गया 8, 8 क्या है आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो ये भी ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1/4 बोला कि अच्छा 1/4 बोला सॉरी, तो ये कितना है 1/4, तो ये कितना हो गया 2। उसके बाद उसने बोला है कि जो आपके मोनोवेलेंट मेटल हैं वो मोनोवेलेंट मेटल यानी कि B+ वो कितने हैं आपके, वो आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, जितना कि आपका क्या होता है आप जो जेड होता है, यानी कि ये जो दिया गया है वो, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि किस तरीके से बना फॉर्मूला, A2B4O4, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, AB2O2, इसका मतलब 13 का आंसर क्या हो गया, डी।
तो 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सॉलिड कंपाउंड एक्स वाई हैज एन इनिशियल स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ द कैटायनिस्ट 100 पिकोमीटर द रेडियस ऑफ एन एन वाई माइनस विल बी। देखिए एक्चुअली आपको नहीं पता है कि मतलब काफी कम को क्या याद नहीं रहता है कि जो रेडियस का एग्जैक्ट रेशियो होता है वो कितना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं कि आपको ये जरूर याद रहना चाहिए कि इनिशियल स्ट्रक्चर के अंदर जो वर्ड बनते हैं वो कौन से बनते हैं, वो बनते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो अगर एनएचसीएल स्ट्रक्चर के अंदर आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो रेडियस का रेशियो होगा आर प्लस अपन आर माइनस वो होगा आपका वन सॉरी 0.414, ये रेडियस का रेशियो होता है। तो आर प्लस आपको कितना दिया गया था, 100 दिया गया था, 100 पिकोमीटर, और नीचे क्या आपका 0.414, और ये आर माइनस। तो आपको जब आर यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो आर माइनस की जो रेडियस निकल के आती है वो 241.5 पिकोमीटर निकल कर आती है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबी क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ ए इक्वल टू 387 पिकोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयन इन द लैटिसेस। तो बॉडी सेंटर क्या होता है आपका, बॉडी के सेंटर पर एटम रखा जाता है, ठीक है, और कॉर्नर पर रखे जाते हैं। तो बॉडी के सेंटर पर हम ये मान लेते हैं कि आपका पॉजिटिव चार्ज गया, साइज में छोटा होता है, और कॉर्नर पर आपके कौन गए हैं, वो आपके एनायंस रखे गए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वहां से निकल कर आता है √3 है जो बॉडी डायगोनल एक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या रख दिया आपका पॉजिटिव चार्ज रख दिया इस जगह पर, तो पॉजिटिव चार्ज रख दिया था 2R+, तो ये हो गया, और ये बिल्कुल कॉर्नर वाले हैं, तो कॉर्नर वाला क्या क्या योगदान देंगे अपना 2R+, सॉरी R-R-, तो √3 इक्वल टू क्या हो गया 2R+2R-, तो यहाँ से R+R- कितना हो गया √3a/2, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा √3a/2। ठीक है, तो √3a/2 में a की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 387/2 करना है आपको, बाय टू करके जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर होगा, और आई थिंक जो आपका आंसर आता है वो होता है ए, यानी कि 335 पिको मीटर। नेक्स्ट, इसको मिटा देते पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज ये। तो एटम रेडियस, जो एटम की रेडियस होगी वो कितनी होगी। देखिए बॉडी सेंटर्ड है तो उसके अंदर बॉडी डायगोनल कितना होता है आपका √3 = 4R, क्योंकि आपका केवल मेटल लिथियम से बना हुआ है, यानी कि रेडियस ये आर लिखा है वो रेडियस किसकी आपकी, वो रेडियस है आपकी लिथियम की। तो √3a/4 = R, तो यहाँ से आप रेडियस पता लगा सकते हैं। तो √3a कितना दिया आपको, 351 पिकोमीटर, 4 नीचे दिया गया है, रेडियस यहाँ से पता लगा लोगे तो रेडियस जो आप सॉल्व करोगे वो निकलेगी, तो कितनी निकलेगी, 151.8 पिकोमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। फिर उसके बाद कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर। तो देखिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे सेम ही है, फेस सेंटर हो गया, तो फेस सेंटर के अंदर बॉडी डायगोनल क्या होता है, √2 = 4R, क्योंकि बेसिकली अगर आपको लेंथ, आपको रेडियस बतानी है तो लेंथ के साथ उसकी क्या पता होनी चाहिए, आपको रिलेशन पता होनी चाहिए। तो FCC के अंदर वो कितनी होती है, √2 = 4R, आपसे आर पूछा गया है तो किसके बराबर होगा, √2/4, तो √2a कितना है आपका, 361 पिकोमीटर/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो 17 का आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 128 पिकोमीटर के आसपास, इसका मतलब डी वुड बी योर आंसर। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। तो हमें पता है कि 68% उसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है, यानी कि इतने में एटम्स ने जगह घेर ली है, तो बचा हुआ कितना होगा, खाली जगह कितनी होगी, 100 - 68, यानी कि 32% जो है वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। और आपसे पूछा भी वही गया है कि स्पेस जो फ्री स्पेस है जो वर्ड है वो कितने में है, तो 32% के अंदर होंगे, यानी कि 18 का आंसर भी क्या है आपका, डी। सो 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 4। एक्चुअली दैट इज रॉन्ग, एक्चुअली 8 होते हैं वो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले निकाले थे, आंसर 8 था, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आगे भी देख लेते हैं आपको कुछ समझाने लायक हो तो, कि ब्रेवेस लैटिस 14 होते हैं वो तो सही है, इट इज मतलब ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट पहला वाला है, और जो कि हमारा आंसर हो सकता है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ प्रिमिटिव। अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, 0.52 होता है, यानी कि 52% क्या होता है उसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन होता है। मॉलिकुलर सॉलिड्स आर जनरली वोलेटाइल, दिस इज करेक्ट, क्योंकि लाइक जैसे CO2 है, तो CO2 भी तो CO2 तो गैस हो गई वैसे, बट
काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, मतलब आप जब उनको हीट करोगे तो वो वेपर जनरेट करते हैं। तो डी क्या है आपका, करेक्ट आंसर मतलब सही स्टेटमेंट है, बट ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दो हैं, तो आंसर कैन बी आइदर ए और आइदर सी। तो आप मेरे हिसाब से तो आंसर ए और सी दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि सी तो पूरा ही गलत है, 52% होता है ये क्लियर है, और ये 8 होता है ये भी क्लियर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल कर दिखाया भी था। ठीक है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एलिमेंट सिलिकन शुड बी डॉप्ड सो एज टू गिव पी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर तब जनरेट होते हैं जब आपका 14th जो ग्रुप होता है 13 के साथ क्या होता है, आपका डोपिंग स्टार्ट करता है। तो 13 का यहाँ पर बोरॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, देन द रेशियो ऑफ रेडियस। तो हमें पता है कि ए इक्वल टू 2R किस में होता है, एस सी सी के अंदर सिंपल क्यूबिक, और √2A = 4R किसके अंदर होता है, एफ सी सी के अंदर, और √3A किसके अंदर होता है, 4R के बराबर बी सी सी के अंदर। तो ए एस सी सी कितना हो गया, ए एस अच्छा रेडियस का रेशियो पूछा ना, तो A/2, फिर आपका कितना है वो √2A/4R, तो √2A/4R कितना हो जाएगा, 1/2 √2A। ठीक है, और जो बी सी सी वो कितना हो जाएगा आपका, √3A/4, यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैंने मेरे रेशो थोड़े अलग है, जैसे ये एस सी सी का है, ये एफ सी सी का है, ये बी सी सी का है, एंड शायद इसमें एस सी सी रेशो बी सी सी रेशो एफ सी सी दिया है, तो आप थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिएगा। 22 क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब इज। देखिए सिंपल क्यूब में क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है आपका 1, क्योंकि एटम जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, केवल एक केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर जब ए निकालते हो वो 2R के बराबर आता है एज लेंथ, आप देख सकते हैं आपके सामने, कोई बड़ी बात नहीं है ये, कि ये अगर आपके एटम्स हैं जो कॉर्नर पर रखे गए, मान ले कॉर्नर पर ये एटम रख दिए मैंने, तो ये एज लेंथ ए, तो ये आर इधर, तो ए इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 2R के बराबर आ रहा है। ठीक है, ए इक्वल टू 2R, जेड इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 1। इसके बाद आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको निकालना होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, अच्छा परसेंटेज नहीं केवल फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, टोटल वॉल्यूम है टोटल एटम 1/4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो ए का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 4/3 πr³, ए कितना है 2R, यानी कि 8R³, ये कितना हो गया आपका 8R³, तो R³ से तो R³ कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 4π³/8, तो ये कितना टाइम है 2, यानी कि π/6, तो आंसर वुड भी क्या हो जाएगा आपका 22 का डी। हटा देते हैं इसको, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले। फिर आपका है कि इफ NaCl इज डोप्ड विद 10^-4 mol% SrCl2, द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज विल बी। देखिए SrCl2 की बात करूं तो ये ब्रेक होता है Sr+2 और 2Cl- के अंदर। ठीक है, अगर मुझे इसके मोल पता लग गए तो ऑब्वियसली बात वो इसके मोल के बराबर होंगे Sr+2 के, क्योंकि एक मोल SrCl2 एक मोल Sr+2 ही देता, तो 10^-4 mol% NaCl डॉट कर रहा है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, अगर परसेंटेज में है तो मोल में क्या बनेगा, 10^-4 इंटू 10^-2, तो 10^-6 क्या है, मोल्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 10^-6 मोल्स, वहां पर क्या है आपके SrCl2 के हैं, तो अगर इसके 10^-6 मोल हैं तो Sr+2 भी 10^-6 मोल होगा, तो अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 6 × 10^23 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 6 × 10^17, इसका मतलब 23 का आंसर क्या हो गया आपका, बी। देखा, परसेंटेज को अगर आप परसेंटेज को हटाना है और एक नॉर्मल जो नंबर होता है वो क्रिएट करना है, तो उसके अंदर आपको उसे डिवाइड ही करना होता है, तो डिवाइड 100 से करना होता है, तो 100 से डिवाइड करो या 10^-2 से मल्टीप्लाई, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, द अपियरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल्स हैलाइट इज जनरली ड्यू टू। तो हमको पता है कि जब आप डिफेक्ट्स देखते हो, ठीक है, जो नॉन स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, तो नॉन स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जो कलर्स आते हैं किसकी वजह से आते हैं, एबसेंटर्स की वजह से आते हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एबसेंटर। एफ सेंटर का मतलब क्या होता है, कि मेटल कोई आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो जगह छोड़कर चला जाता है, तो जब नेगेटिव चार्ज जगह छोड़कर चला जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं तो एक एनर्जी इमिट करते हुए आते हैं, जिसको हम इसकी वजह से क्या होता है कलर दिखाई देता है, उसको हम एफ सेंटर बोलते हैं।
नेक्स्ट जो है वो आपको दिया गया है, CSBR क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द यूनिट सेल इज 436.6 पिकोमीटर, गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ CS 133 एंड दैट ऑफ BR इज दिस, अवोगाड्रो नंबर इज गिवन, डेंसिटी पूछी गई है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा आपका, ZM अपॉन AQ NA, एंड CSBR के अंदर जो Z होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। मॉलिकुलर मास CSBR के बराबर होगा यानी कि 133 + 80। ए क्यूब कितना दिया गया है, 436.6 × 10⁻²² का क्यूब, ठीक है। और एन ए कितना दिया है, 6 × 10⁻²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो डी की वैल्यू निकल कर आती है, वो डी की वैल्यू, क्योंकि जो हमने जितनी वैल्यू पुट करी है वो ग्राम ग्राम और सेंटीमीटर वाली है, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी ग्राम और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा। इसका मतलब जो आपका यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आंसर आता है वो किसके बराबर आता है, 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के अंदर ही इतना, नेक्स्ट पार्ट फाइनल पार्ट होगा सॉलिड स्टेट का पीवीसी के आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर, फिलहाल इसका आंसर आपका कितना है, 4.25, दैट इज योर ए। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 4.25 ही आएगा इसको। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के ध्यान रखिए, बाय।